अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वाइस चेयरमैन तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई है। वाइस चेयरमैन तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। इस पर मजीद तफसीलात जानते इकरामुल्ला जोहिया से। जी इकरामुल्ला, बताइएगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी ने साइबर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया है। शाह महमूद कुरैशी ने जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर अली बुखारी की जानिब से दायर की गई है, जबकि मतायद अदालतों ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। मौके से तैयार किया गया, जबकि साइबर केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। साइबर केस में जदीद में दर्ज जो FIR कानून के तकाजों को मद्देनजर नहीं रखा गया, वकीफ तैयार किया गया, जबकि साइफर केस में दर्ज FIR में मुल्जिम का बराह रास्त ताल्लुक नहीं बताया गया, जबकि ये भी वकीफ तैयार किया गया कि मेरा किरदार मरकजी मुल्जिम के साथ नहीं मिलाया जा सकता। दरखास्त गुजार वजीर खारजा होने की बुनियाद पर 248 के तहत इस्तिस्ना रखता है। ये दरखास्त में वकीफ तैयार किया गया है। तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।